इस वास्ते जिन्हें कुरान पढ़द्या पढ़द्या नूरुद्दीन जंगी होरी कुरान पढ़द्या पढ़ जदों हजूर ने उन्होंने ख्वाब विच फरमाया ना नूरुद्दीन जंगी नू यार इत्थे ते बदमाश आए खड़े मदीना पाक ते तू मिस्र च सुत्या ते नूरुद्दीन जंगी फिर घोड़े दौड़ांदा मिस्र चो आया इत्थे आके उन्हें दावत की थी। ते दावत करन तो बाद वो बंदे नूं नप लै बंदे कतल करन तो बाद नूरुद्दीन जंगी जड़ा ना फकीराना लिबास पा के ते मदीना पाक च फिरया। उन्हें कहा हजूर इतना करम फरमाया ने पूरी दुनिया तो मैनू खिदमत वास्ते मुंतखब फरमाया। हाँ जी इस वास्ते अगर कोई दीन की खिदमत नहीं ना करेगा तो वह समझेगा मैं दीन नाल बगावत दीन नाल जड़ा भी उलझेगा दीन उन्हें डा देगा दीन नू कोई नहीं डा सकता क्या मतलब। हाँ दीन उन्हें जरूर डा देगा उन्हें जलील कर देगा लेकिन अबू जहल होके तो बदर च लम्या जरूर पै जाएगा क्योंकि दीन के मुकाबले च आया तो बच्चा उन्हें मार दिता। तो जब रसूलुल्लाह ने सुनया कि अबू जहल मर गया तो रसूलुल्लाह ने सजदा किया। मैनू अजे तहकीक नहीं हुई इस गल की कि भाई इस्लामाबाद अबू जहल की याद किसी नू याद सताइए तो इंसान के पुत्र बन जाओ। हाँ ये तुहानू असीं गल दस रहे हैं जिदे मरण से रसूलुल्लाह सजदा करन उहदे मरण से किसी नू दुख होया। हाँ इस ए ओ फिरौन हजूर ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन होता है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल था और हुजूर ने इसके मरने पर सजदा भी किया जैसे सिद्दीक अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के मरने पर सजदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे नबी का दुश्मन मर गया और ये हुजूर का वो दुश्मन था जिसके मरने पर हुजूर ने खुद भी सजदा फरमाया।